आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इसको लेके बिहार के कई जगहों पे कार्यक्रम किया जा रहा है। आपको हम दिखाते हैं, देखिए किस तरह अष्टम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे आयुष मंत्रालय बिहार सरकार के द्वारा एक योगा का कार्यक्रम कराया जा रहा है पटना के मिलर हाई स्कूल में। यहाँ इसको राजकीय कार्यक्रम आप कर सकते हैं। देखिए किस तरह तमाम जो लोग हैं योगा करते हुए नजर आ रहे हैं। खुद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, अपर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के अलावा तमाम अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए तमाम कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं और योगा कर रहे हैं। आपको बता दें कि देखिए किस तरह योग गुरु जो हैं लोगों को योगा का अभ्यास करा रहे हैं। आज से 8 साल पहले योग दिवस की शुरुआत हुई थी, 21 जून 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी और आज 8वां साल है। हालांकि कोरोना के कारण 2 साल से ऐसे कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो रहा था बिहार में और देश के अन्य कोने में, लेकिन अब कोरोना के ख़त्म होते ही जो है कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और कोरोना काल के बाद पहला बार ऐसा आयोजन है जहां पे इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड की। देखिए किस तरह तमाम स्वास्थ्य मंत्री के अलावा तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं योगा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर पटना की बात करें तो पटना में कई जगह पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बिहार विधानसभा में भी योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम किया गया है जहाँ पे तमाम विधायक जो हैं योगा कर रहे हैं। उसके अलावा भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी इस तरह का आयोजन है और तकरीबन कई जगहों पे पटना में इस तरह का आयोजन है। और जिस तरह से आजकल लाइफ स्टाइल है, शेड्यूल लोगों का चेंज हो रहा है, ऐसे में योग को अपनाने के लिए लगातार जो है सरकार प्रेरित कर रही है लोगों को, क्योंकि एक ऐसा एक कला है जहाँ पे अगर रेगुलर आदमी करता है तो बीमार पड़ने का संभावना कम होता है और तरह तरह के बीमारियों के लिए भी योगा काफ़ी लाभदायक है। तो योगा को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है और काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि जिस तरह लोगों के लाइफ स्टाइल में चेंजिंग आया है उसके बाद योगा एक हथियार के रूप में सामने आया है। अगर योग के जरिए हर एक रोगों से मुक्ति मिल सकती है, सबसे बड़ी बात है कि योग के जरिए मानसिक जो शांति है वो जीवन में आता है और लोग जो है शांत तरीके से अपने जीवन को जीते हैं। तो योगा को विश्व भर में पॉपुलर बनाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम लगातार बिहार सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जो काफ़ी सराहनीय है। मैं अभिषेक कुमार सिंह, पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।